सबसे पहले मैं आऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता के पास। संदीप जी क्या कहेंगे, बहुत सारे आरोप लगाए हैं और आज काफी अरसे बाद विपक्ष नजर आया है एक मुद्दे पर। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में एक जनाक्रोश है, जिस तरीके से आर्थिक असमानता बढ़ रही है, लगातार जो है लोगों की एक तरफ इनकम कम हो रही है और एक तरफ 1027 करोड़ रुपए प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है जी, तो सवाल तो उठे, जो व्यक्ति आपके सत्ता में आने के पहले 206 नंबर पर रहता है उसकी जो है पूरी कमाई जो है बहुत कम रहती है और एकाएक आकर जिस तरीके से वो लगातार अपने धन को बढ़ाता है, अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और अवैध तरीके से बढ़ाता है, और उसमें उसके पहले आप जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने रहते हैं तब उसके संसाधनों का आप उपयोग करते हैं और उस उपयोग के बाद जिस तरीके से आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाते हैं, जिस तरीके से फायदा पहुंचाने का जो है जगह जगह लादिंग का काम एक प्रधानमंत्री होकर अगर करते हैं, ये सवाल उठता है तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है और उस पर आप जवाब देने के बजाय आए वाए साठ आए करिए, इससे काम नहीं चलने वाला। देश की जनता मूर्ख नहीं है, उसको पता है कि अडानी के हवाई जहाज का इस्तेमाल आपने 2014 के पहले और आज भी जिस तरीके से, जब अभी आपने 8000 करोड़ रुपए का विमान नहीं खरीदा था तब तक आप लगातार किया करते थे, तो ये देश जानता और आज भी चुनावी रैलियों में अडानी के आप हवाई जहाज और संसाधनों का उपयोग करते। ठीक, और देखिए उदाहरण राहुल जी सदन में भी उदाहरण सही बात किए और आज मैं भी आपके सामने बात रखूंगा। जब एक 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 एयरपोर्ट का हम जिक्र करते हैं, राहुल जी ने सदन में इस बात का जिक्र किया कि एयरपोर्ट पहले ये था कि एयरपोर्ट का संचालन वही कंपनी कर सकती है जिसके पास पूर्व में अनुभव और वही जो है उसका टेंडर ले सकती है, लेकिन मोदी जी ने इस नियम को खत्म कर दिया। एक नियम ये था कि कोई भी एक कंपनी दो एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं ले सकती, इस नियम को खत्म कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज जो है 6 एयरपोर्ट एक साथ जो है अडानी को मिल जाते हैं। और एक और देखिए, एक मुंबई का एयरपोर्ट JBK नाम की कंपनी चला रही है और उसके यहाँ ईडी की रेड होती है और ईडी की रेड होने के 1.5 महीने बाद जस्ट 1.5 महीने बाद वो जो है पोर्ट चला जाता है अडानी जी के पास। तो ये ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से आप एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, आप जो है अपनी साख बचाने के लिए उपयोग कर रहे हैं भारत की संस्थाओं का, वेगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है। और आप उसका जवाब न देकर काउंटर आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप विदेश में जाकर छवि खराब करते हैं। अरे मोदी जी, आज सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपने क्या क्या नहीं कहा है, चाहे संघाई हो सेवल हो, आप तो यहाँ तक किए कि कह दिए कि जब आपकी सरकार नहीं थी लोग को, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पैदा होने